ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्य अर्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नीरिश भाई श्रॉफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रॉफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह यूएसए कारी लिबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगम्बर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा, मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, रुतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर वन वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर राजस्थान, दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सामायिक पाठ चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला में दो श्लोक हुए थे, आइए आज तीसरा श्लोक देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। दुखे सुखे बैरिणि बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समं मनो मे सुसदापि नाथ। सामायिक की जो परिभाषा है वो इस श्लोक में बड़ी अच्छी तरह आचार्य ने दी है। देखें, दुखे सुखे, दुख में और सुख में, वैरिणी बंधु वर्गे, वैरी और बंधु में, दुश्मन हो या भाई हो, योगे वियोगे मिलने में अथवा बिछुड़ने में, भवने मकान में, महल में या जंगल में, निराकृत दूर कर दिया है, अशेष माने संपूर्ण, ममत्व बुद्धि को जिसने, अर्थात इन सभी पदार्थों में जिसने समस्त, अशेष माने समस्त ममत्व बुद्धि को दूर कर दिया है, ऐसा मेरा मन सदा ही हे भगवन समम अस्तु, समता परिणाम वाला हो। सामायिक पाठ में एक सामायिक पाठ करने वाले का चिंतन क्या चल रहा है, सांसारिक कैसी परिस्थितियां हो, सुख की हो, दुख की हो, जंगल की हो, घर की हो, वैरी मिले या भाई मिले, कोई भी मिले, लेकिन मेरा मन हमेशा उनमें समता परिणाम रखे, इसी का नाम तो सामायिक है। फिर देखिए, दुख में और सुख में, दुश्मन में और भाई या मित्र में, योग माने मिलने में और बिछुड़ने में, और भवन माने महल या मकान और जंगल में, हे नाथ हे भगवन, निराकृत माने दूर कर दिया है, अशेष माने समस्त ममत्व बुद्धि को जिसने, ऐसा मे मनो मेरा मन सदापि सदा ही समम अस्तु, समान परिणाम वाला हो।
सुख मिलने में हर्ष नहीं, दुख मिलने में रोना नहीं, विलाप नहीं, योग में खुशी नहीं, वियोग में दुख नहीं। इसी तरह ये जो चार विरोधी जोड़े हैं, इन चारों में कोई भी मिल जाए, मेरा परिणाम समता परिणाम वाला मेरा मन हो। एक बार और देख लें, दुख में और सुख में, बैरी माने शत्रु में और बंधु माने भाई समूह में, मिलने में और बिछुड़ने में, भवन माने महल मकान या जंगल में, कहीं भी रहने को मिले। हे नाथ, निराकृत अशेष ममत्व बुद्धि, दूर कर दिया है समस्त ममत्व बुद्धि को जिसने। मेरा मन कैसा है? समस्त ममत्व बुद्धि से दूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसने दूर कर दिया है ऐसा मे मनो, मेरा मन सदा ही समम अस्तु, समम समान परिणाम वाला हो। मुझे इनमें किसी में भी हर्ष और विलाप करने का अवसर नहीं, मेरा मन कभी नहीं बने। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा प्रसन्न समता परिणाम वाला रहूं। पंडित जी, यहाँ पर ममत्व बुद्धि को दूर करने का क्या अभिप्राय है? ममत्व का अर्थ होता है मेरापना, ये वस्तु मेरी है, बैरी मेरा नहीं, बंधु मेरा है, सुख मुझे चाहिए, दुख मुझे पसंद नहीं, महल मुझे रहने को मिले, जंगल का मैं क्या करूंगा। जब तक ऐसी बुद्धि नहीं छोड़ी जाएगी, तब तक परिणामों में समता कैसे आएगी? कहीं भी जाए, कैसी जगह चाहिए आपको? जैसी मिल जाए। भोजन कैसा करेंगे? जो मिल जाए। मौसम के लिए कोई ऐसी खास बात नहीं, कैसा भी मौसम हो। हर जगह परिणामों में समता जभी बनेगी जब ममत्व बुद्धि नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं इस कमरे में नहीं ठहर सकता, इसमें तो एसी लगा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? समता परिणाम कैसे बनेंगे? एसी वाला कमरा चाहिए बिना एसी का? कैसा भी हो चलेगा। अगर ऐसा होगा ना, तो ममत्व बुद्धि अगर नहीं छूटेगी तो परिणामों में समता नहीं आएगी। इसलिए इसमें प्रार्थना की है, हे भगवान, मेरा मन कैसा, जिसने समस्त ममत्व बुद्धि को दूर कर दिया है। अगर ममत्व बुद्धि में डूबा हुआ मेरा मन है, तो कभी परिणामों में समता नहीं आएगी, इसलिए इसमें ऐसी प्रार्थना की गई है। लेकिन पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अच्छे और बुरे में समान परिणाम रखें? मुनिराज का पड़गान हुआ, पड़गान होने के बाद वो चौके में गए। मान लो पहले ही ग्रास में कोई बाल निकल आया, मुनिराज ने क्या किया? बस बैठ गए, हाथ धोआ और बाहर आ गए। मैं पूछता हूँ, क्या मुनि महाराज गुस्सा होते हैं? क्या नहीं होते? क्यों? उनके परिणामों में समता है, इसलिए गुस्सा नहीं होते। मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग करे, क्या उपसर्ग करने वाले पे नाराज होते हैं? क्या? कभी नहीं होते। एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार उत्तर प्रदेश में एक स्थान है रामपुर मनिहारान, सहारनपुर के पास, वहां जाने का अवसर मिला। वहां धर्मभूषण जी महाराज विराजमान थे, मैंने सुना था उनकी बड़ी अच्छी चरिया है, तो मैं दर्शन करने गया। मैंने देखा उनके शरीर पर 3-4 जगह चोट के निशान लगे हुए। मैं दर्शन करके तो चला आया, क्योंकि मुनि महाराज सिर्फ दिन में 1 घंटे बोलते थे, 23 घंटे मौन रखते थे, और उनका बोलने का समय निकल चुका था। उनसे मैं पूछ नहीं पाया, लिखा हुआ था वहां, महाराज मौन से हैं, बोलने का कष्ट ना करें। आया वहां, आके एक डॉक्टर साहब थे, मैंने उनसे प्रश्न किया, मुनि महाराज के 3-4 जगह चोट के निशान क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बगल वाला जो मकान है वो एक मुस्लिम का है, उसको मुनि से बड़ा बैर है,
उनके दो यंग लड़के क्या करते थे, जब मुनि महाराज ध्यान करने बैठते थे ना तो ईंट खींच के मारते थे और उनके चोट लगती थी। पहले दिन जब चोट लगी, एक दो जगह खून दिखा, तो हमने पूछा महाराज ये क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। कहां गिरे, नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे दिन देखा तो दूसरे स्थानों पर चोट लगी, फिर पूछा महाराज ये आज क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। लोगों ने समझ लिया कोई गड़बड़ जरूर है, ये सामायिक के समय में कोई प्रॉब्लम होती है, छुप के देखें। छुप के उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा बगल वाले मकान से दो लड़के युवा आए और खींच के उन्होंने ईंट मारी। जैसे ही ईंट मारी, सोई अपने जैनी भाई भागे और उनके घर में जाके उन दोनों को पकड़ लाए। दोनों को पकड़ के लाके महाराज के सामने पेश किया। महाराज आपने तो हमको नहीं बताया, हम समझ गए ये दोनों आपको ईंट मारते थे और ये निशान जो लगे हैं ना इनकी ईंट के थे, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। महाराज अब इनको हम पुलिस में अभी देने जाते हैं, इनकी FIR लॉज कराएंगे। महाराज बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कराना। क्यों भाई, ये तो मेरे उपकारी हैं। उपकारी क्यों हैं? उपकारी इसलिए हैं कि इनके पीड़ा देने में मैं समता परिणाम रखता था तो मेरे विशेष निर्जरा होती थी, तो ये तो मेरे उपकारी हैं। इन्हें नहीं, इनकी FIR नहीं, इनको कुछ नहीं इनके ऊपर करना। अरे महाराज इतनी आपत्ति करने वाले के ऊपर हम कुछ नहीं करें। नहीं नहीं कुछ नहीं करो। तो महाराज फिर क्या करें, इनको छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, लेकिन सुनो इन दोनों को एक एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 21-21 रुपए इनाम के दो। क्यों? इन्होंने मेरी निर्जरा कराने में बहुत सहयोग किया है। उन दोनों को एक एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 21-21 रुपए दिए गए। नतीजा ये हुआ, वो अब इतने दिन हो गए, आज तक उन्होंने कभी किसी मुनि के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ये होता है समता परिणाम। सामने वाला अनिष्ट कर रहा है, फिर भी उसमें इष्ट बने का भाव रखना। इनने ऐसा किया, ओहो ये तो अच्छा रहा, हमने मुनि महाराज को देखा, पहले ही ग्रास में कुछ निकल आया, चुपचाप चौके से लौट के आए, अपने तखत पे बैठे, ध्यान शुरू। हमने कहा महाराज आज तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे आज आहार के टाइम में और ध्यान का मौका मिला, इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। समता परिणाम नहीं होंगे तो परिणाम में राग द्वेष कूदेंगे ही कूदेंगे। अगर राग द्वेष से दूर हटना है ना तो समता परिणाम भी बनना ही पड़ेगा। छेढ़ाला में दो पंक्ति बड़ी सुंदर आती है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण मैं सदा समता धरण। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। हमने माना गृहस्थों में इतनी समता नहीं होती, लेकिन फिर भी गृहस्थ को बहुत संकटों का दिन भर सामना करना पड़ता है, और उस संकटों के सामने में अगर वो मुस्कराता है तो समता परिणाम बनते हैं। खाने में पीने में दिन भर व्यापार में रोजगार में घर गृहस्थी में 200 प्रसंग आते हैं गुस्सा आने के, 200 प्रसंग आते हैं किसी काम को हटाने के किसी काम को लाने के, लेकिन वो समता परिणामी होते हैं ना, शांत भाव से सब कुछ सहन करते। पंडित जी कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत बड़ा मुश्किल है। आप बात कर रहे हैं अज्ञानियों की, आप बात कर रहे हैं रागी द्वेषी ममत्व बुद्धि वालों की। जिनके परिणामों में समता होती है उनकी बात तो ऐसी ही होती है जो यहाँ लिखी गई है। देखो एक जगह देखा, एक संत थे, उनकी पत्नी ने कहा एक आना ले जाओ दो गन्ने ले आओ। वो गए बाजार से, लेकिन एक आने में एक गन्ना मिला, एक गन्ना लेके आए। पत्नी ने देखा एक गन्ना, पत्नी बहुत गुस्सेबाज थी, उसने कहा एक गन्ना लाए हो। उसने वो गन्ना लिया और उन पे संत पे जोर से मारा, दो टुकड़े हो गए। संत बोले ओहो तैने दो कर दिए, एक तू ले ले एक मैं ले लूं।
तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत आसान है, केवल अपने मन को बदलने का काम है। ऐसे ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं। गुजरात में एक सज्जन थे, बहुत गुस्सेबाज, ऑफिस से लड़के घर पे आए, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा एक कप चाय जल्दी लाओ। पत्नी एक कप चाय लाई, उन्होंने चाय जल्दी में मुंह से लगाई तो मुंह जल गया, गुस्सा आई, उन्होंने वो कप उस पत्नी को ऐसे जोर से मारा, पत्नी वहीं गिर पड़ी और मर गई। बोलो, समता परिणाम नहीं होने का नुकसान कितना है। अगर मुस्कुरा के छोड़ देते तो कितना फायदा होता। सामायिक पाठ अगर जीवन में उतर जाए तो आनंद ही आनंद है, इसका क्या कहना। सामायिक की अगली भावना देखें। मुनीश लीना विवकीलिता विव स्थिरौ निखाता विव बिम्बिता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमो धुनानौ हृदीप काविव। हे मुनीश, मुनीश हे मुनियों के नाथ, लीनौ एव लीन हुए की तरह, कीलितौ एव कीलित किए गए की तरह, स्थिरौ स्थिर हुए की तरह, निखाता बिंब निखाता बिव खोदे गए की तरह, बिंबिता बिव प्रतिबिंबित हुए की तरह, त्वदीय उपादौ आपके दोनों चरण, सदा मम हृदय तिष्ठताम मेरे हृदय में तिष्ठताम विराजमान रहे, तिष्ठें रुके। कैसे हैं आपके चरण? तमोधुनानौ अंधकार नष्ट करने के लिए जो दीपक की तरह हैं। फिर देखें, हे मुनियों के नाथ, हे मुनीश, अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक की तरह, त्वदीय उपादौ आपके दोनों चरण, मेरे हृदय में सदा ऐसे तिष्ठें ऐसे विराजमान रहें मानो लीन हो गए हो, मानो कीलित कर दिए गए हो, मान लो ठहर गए हो, खोदे गए हो या प्रतिबिंबित तो हो गए हो। अर्थात हे भगवान, आपके चरण मेरे हृदय में स्थायी रूप से वहां मौजूद रहें। इन सब के इसीलिए इन सब को लिखा, जैसे खोद दिए गए, खोदे हुई वस्तु फिर हमेशा रहती है, वहां से हिलती नहीं। पत्थर में एक चरण पादुका खुदी हुई है, अब हजारों सैकड़ों वर्षों तक वो वैसी रहेगी। उसी तरह भगवान, आपके चरण जो अंधकार को नाश करने के लिए दीपक के समान है, मेरे हृदय में परमानेंट बिल्कुल हमेशा के लिए रहें। इस तरह रहें जो मैंने ऊपर पांच उदाहरण दिए। एक बार फिर देखें, हे मुनियों के नाथ, त्वदीय उपादौ आपके दोनों चरण जो तमोधुनानौ अंधकार को नाश करने के लिए दीपकौ एव दीपक की तरह हैं, ऐसे आपके दोनों चरण मम हृदय मेरे हृदय में सदा ऐसे विराजमान रहें जैसे लीनौ एव लीन हुए की तरह, जैसे लीन हो गए हो, जैसे कीलितौ एव कीलित कर दिए गए हो, जैसे ठहर गए हो, जैसे खोद दिए गए हो या प्रतिबिंबित कर दिए गए हो। अर्थात हे भगवान, मैं चाहता हूँ आपके चरण कमल मेरे हृदय में परमानेंट हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। भक्त की कितनी सुंदर भावना है। पंडित जी, यहाँ पर चरणों को दीपक के समान क्यों कहा? जैसे
अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, मैं हमेशा से मोहांधकार में डूबा हुआ हूँ। अभी तक मुझे अपना भान नहीं हो पा रहा। आपके चरण दीपक के समान हैं, अगर वो मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे तब मेरा मोह अंधकार नष्ट हो जाएगा। लिखा है ना, तमोधुनानौ, अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक के समान, अर्थात आपके चरण मेरे हृदय में आएंगे, मेरा मोह अंधकार नष्ट हो जाएगा और मेरा मोक्ष मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पंडित जी, ऐसी भक्ति करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है? अगर ऐसी भक्ति कोई डूब के करे तब तो सातिशय पुण्य का बंध और कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान की भक्ति जब सम्यक दृष्टि करता है तो भक्ति में बिल्कुल निर्जरा होती है। और हम और आप रोज तो बोलते हैं पूजा में, तवपद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहे प्रभु, जबलो पाया न मुक्ति पद मैंने। अर्थात हे भगवान, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, ये भक्ति है। ऐसे इष्टवन से क्या होगा? देखिए ना, अगर इष्टवन किया गया है और इष्टवन करने वाला संकट में है, उसका संकट दूर हो जाएगा। जैसे मानतुंग स्वामी ने बोला, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। हे भगवान, आपका स्तवन करने से जन्म जन्म के बांधे हुए कर्म भव संतति सन्निबद्धम, पापम पाप क्षणात् एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कितना फायदा है भक्ति का। जितने चमत्कार आचार्यों के पिछले हजारों वर्षों में देखने को मिले सब भक्ति का ही तो प्रताप था। जैसे समंतभद्र महाराज की स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, क्या चमत्कार हुआ, पिंडी फट गई, भगवान प्रकट हो गए। आज तक भी वो सबूत रखा हुआ है वहां। ऐसा क्यों हुआ? भक्ति के कारण हुआ। भक्ति से क्या नहीं होता? भक्ति से श्रीपाल का कोण दूर होता है, मैना सुंदरी का संकट समाप्त हो गया। भक्ति से सेठ धनंजय के बेटे को सांप ने काटा था, वो जहर दूर हो गया। सब भक्ति का ही तो प्रताप है। इसलिए हे भगवान, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो, ये भक्ति है और भक्ति साक्ष्य पुण्य बंध का कारण होती है। कीरित किए गए के समान क्या मतलब है यहाँ पर? आपने चौकी बनाई, चौकी में आपने ऊपर के तख्ते को नीचे के तख्ते में कील से ठोक दिया। अब वो तख्ता वहां कब तक लगा रहेगा? अरे सैकड़ों वर्षों तक वो लगा ही रहेगा। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में ऐसे विराजमान हो जाए जैसे किसी ने उनको कीलित कर दिया हो, हिले नहीं, सरके नहीं, स्थान छोड़े नहीं। मैं चाहता हूं जब से आपके चरणों की शरण में आया हूं मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए मेरा भाव ये है हे भगवान, कि अब तो जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होना तब तक आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे, ताकि मोह अंधकार दूर रहे, मैं भवभव में आपकी भक्ति में लीन रहूं। भक्त ऐसा बोलता है, और जो ऐसा बोलता है, ऐसी भावना करता है, उसके हृदय में भगवान के चरण विराजमान होते भी हैं। कर्मों का नाश होता है, संकट दूर होते हैं, साक्षात पुण्य का बंध भी होता है। पूजा में हम बोलते हैं ना, यह भव समुद्र अपार, तारण के निमित्त सुबिद ठई, अति दृढ़ परम पावन जथारत, भक्तिवर नौका सही। हे भगवान, इस संसार समुद्र को पार करने के लिए कैसे, आपकी भक्ति रूपी नौका ही समर्थ है।
और भक्ति कब बनती है? जब भगवान के चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे। इसलिए भक्ति तो ऐसे ही करनी चाहिए। और आनंद जब है, जब भक्ति में डूबा हो और दोनों आंखों से आंसू भी टपके, उसे कहते हैं वास्तविक भक्ति। ऐसी भक्ति होना महान पुण्य का काम है। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्य अर्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन डॉक्टर नीलेश भाई श्रॉफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रॉफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह यूएसए कारी लीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगम्बर जैन महिला शास्त्रीय सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा, मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, रुतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान, दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।